हेलो, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ विशाल एंड आई होप आप सब बढ़िया होंगे। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर से सेलेक्ट किया हुआ है। आइए क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है, एक कार पी से क्यू तक नियत गति पर चलती है। यदि यदि उसकी गति 10 किलोमीटर पर आज बढ़ा दी जाती है तो वह यह दूरी तय करने में 1 घंटा कम समय लेता है। यदि उसकी गति 10 किलोमीटर पर आज और बढ़ा दी जाती है तो 45 मिनट और कम समय लेता है। दो शहरों के बीच की दूरी पूछ रहा है। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में जो फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे वो फॉर्मूला होता है, ये डिस्टेंस निकालने का होता है। डिस्टेंस होता है जब टाइम दिया हो, बड़ा और घटा वाला। तो एस एस प्लस S1 जो इंक्रीज टाइम है, और इसका डिफरेंस एस का डिफरेंस S1 से, और मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी यानी कि टाइम में जो चेंजेस हुआ है, इसी का हम लोग यूज़ करेंगे। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं इसी फॉर्मूले के हेल्प से। इससे तुरंत हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे देखा कि हमारा जो स्पीड है, स्पीड यानी एस मानते हैं पहला, और एस प्लस S1 जो है 10 किलोमीटर पर आवर्स बढ़ गया, यानी कि हम लोग लिखेंगे एस प्लस S10। और डिफरेंस कितना आया हमारा 10 का, और टाइम कितना कम लग रहा है, अब टाइम कम लग रहा है हमारा 60 मिनट्स। और अगर हम कंपेयर करें तो ये डिस्टेंस बराबर होना चाहिए जब हम लोग एस को 10 किलोमीटर पर आवर्स और बढ़ा दे रहे हैं, यानी कि अब कितना हो जा रहा है, हम चेंज कितना करें 20 से, और यहाँ पे भी 20। अब यहाँ पे देखने वाला बात होती है कि 45 मिनट्स और कम हो जा रहा है, यानी कि जो हमारा जो टाइम लग रहा है वो अब 105 हो जा रहा है। जो कम हो रहा है वो 105 मिनट्स में कम हो जा रहा है। तो अब ये इससे 2 टाइम्स में कट हो जाएगा, और 15 से करेंगे तो 15 4 जा और 15 7 जा, ये कट हो गया। और एस से यहाँ पे एस भी होगा, इस एस से ये एस कट हो गया। अब यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, ये 2, ये वाला 2 इधर इससे मल्टीप्लाई होके इस 4 से ये दे देगा हमें 8S+80। ये इक्वल होगा किसके, 7S+140 के। तो ये वाला 7S इधर जाएगा तो हमारे पास बचेगा बस S, और S इज इक्वल्स टू ये 80 है, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, बचेगा 60। यानी कि जो हमारी स्पीड है वो कितनी आ गई, 60 आ गई। और अब जब स्पीड निकल गया है तो बस स्पीड को हम लोग रख देंगे उस फॉर्मूले में, तो हमें डिस्टेंस आ जाएगा जो फॉर्मूला हम लोग स्टार्टिंग में यूज़ किए थे। यानी कि स्पीड कितनी हमारी 60 मल्टीप्लाइड बाई 60+10 इंक्रीज़ हो रहा है यानी कि 70, और डिफरेंस कितना था हमारा 10 का डिफरेंस था। और यहाँ पे क्योंकि किलोमीटर पर आवर्स में बात हो रहा है तो यहाँ पे भी हम लोग को 1 ही लिखना पड़ेगा, मिनट में नहीं। उस टाइम क्या हुआ था कि दोनों साइड यूनिट सेम थी, अगर हम लोग 60 के नीचे भी 60 लिखते और 105 के नीचे भी 60 लिखते तो ये 60 से ये 60 कट हो जाता है, इसीलिए वहाँ पे हम लोगों ने नहीं लिखा। और ये इससे 6 टाइम में जाएगा, यानी कि जो डिस्टेंस है वो हमारी वो कितनी है, 420 किलोमीटर, ये हमारी डिस्टेंस है। आई होप आप सब लोगों को समझ में आएगा। अगर समझ में आएगा तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।